इसमें लाइर रहीम तो टुडे वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज़ क्वान्टिटिव एनालिसिस इसमें हम प्रॉबिलिटीज की यूटिलाइजेशन और उसकी इम्प्लिकेशन पे बात करेंगे तो वी गोइंग टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वी नीड टू नो वट वी विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट एक्सपेक्ट करना विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट योर डिसीजन दैट इज़ अन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंस तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे

इट्स सम ऑफ द प्रॉबिलिटी टाइम्स द वैल्यू ऑफ दैट तो ये हमें इनका साम करके वी गेट के वट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड फ्राम आर इन्वेस्टमेंट अभी हम इसके एगलिस्प्रेशन भी देख लेंगे तो वील कम अ वट वी शुड बी इन्वेस्ट आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक वट यू थिंक यू विल बी गेट इन पहले एक सिंपल सा लॉजिक देखते हैं टेक फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मल डाइस जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि हम डाइस रोल करते हैं देन वॉट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू अब ये बात इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि इन इट्स सेल्फ वो ही आएगी दैट्स बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो कि हो सकता practically है प्रैक्टिकली ना आए बट बाय द वर्च्यू ऑफ कैलकुलेशन वी शुड नो इट तो वैन वी आर रोलिंग अ डाइस इट कु एनी नंबर तो प्रॉबेबिलिटी क्या है उसकी वन बाई तो वी टेक वन बाय सिक्स इंटू वन जो कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी एड वन बाय सिक्स इंटू टू सेकेंड पॉसिबिलिटी इसी तरह जो सिक्स तक पॉसिबिलिटी है वन बाय सिक्स टू सिक्स ये हमने उनकी पॉसिबिलिटीज को उनको इंडिविजुअल uh, मल्टीप्लाई किया और उनका जो प्रोडक्ट थी उसको हमने आपस में फिर सम कर लिया तो दैट इज द वैल्यू वी गेट इज थ्री पॉइंट फाइव यानी कि हम सिक्स टाइम रो डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी डैट इज़ 3.5 पॉइंट फाइव एक दफ़ा वो आ जाए वो आ और प्रोबेबिलिटी फैक्टर को कैप्चर करते हुए अब 3.5 पॉइंट फाइव आपको पता है डाइस में तो नहीं आएगा लेकिन दिस इज़ कैप्चरिंग द वैल्यू फैक्टर कि अगर ये लेट सपोज ये एक वैल्यू होती तो उसका आउटकम हमारे पास ये आ रहा होता इसको ज़रा हम अपनी फाइनेंस की टर्म में भी थोड़ा सा लेके आते हैं तो लुक एट दिस एलिस्ट्रेशन ये एक स्टॉक है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि पंद्रह परसेंट हमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है और उसके चांसेस हैं थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट चांस है कि पंद्रह परसेंट हम इससे रिटर्न कमाएंगे थर्टी फाइव परसेंट चांस ये है कि हम इससे टेन परसेंट रिटर्न कमाएंगे फिफ्टीन परसेंट चांस है कि फाइव परसेंट रिटर्न इसमें से हमें मिलेगा एंड देर इज अ मेरी ट्वेंटी परसेंट चांस कि ये हम इसमें फाइव परसेंट लूज भी कर सकते हैं स्टॉक है स्टॉक कैन लूज एज़ वेल तो हमारे मुताबिक अगर कोई चीज़ हमारे एक्सपेक्टेशन हमारी है कि अगर ये चीज़ नहीं होती कंपनी में या इकोनॉमी के साथ कोई फैक्टर होता है तो ये चांस है कि फाइव परसेंट का लॉस भी आ सकता है ये एक ही स्टॉक की एक्सपेक्टेशन ऑप्शनल्स हैं फॉर कमिंग पीरियड और उसके साथ उनकी हमने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जो ये थर्टी परसेंट है ये बेसिकली हम वेट दे रहे हैं अगर इसको प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करें तो ये थ्री बाई थर्टी बाय हंड्रेड यानी थ्री बाय टेन की प्रोबेबिलिटी है व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू जी ये आप लोग जरा थोड़ा अपना मेंटल माइंड करें होप यू हैव सम अप अप शेप किया होगा अपने माइंड में आंसर टू सी व्हाट इट शोज इसमें हमने पास जो तीन डेटा था कि थर्टी परसेंट थर्टी ये हमारे पास थे उनके वेट्स यानी कि जिनको आप कहें उनकी प्रॉबिलिटीज

अब हम कह रहे हैं कि इस स्टॉक से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल में ऑल पॉसिबल सिनेरियोज को माइंड में रखते हुए कि कर रहे हैं कि 9.75 परसेंट हमें रिटर्न आएगा जब आप गौर करें तो क्योंकि 15 परसेंट और 10 परसेंट में मेनली कंसंट्रेटेड था अगर हम 30 परसेंट और सिक्सटी फाइव परसेंट वॉज कंसनट्रेटेड अबेंट इट इज नियरली क्लोज टू टेन तो दिस वे वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एनी स्टॉक फॉर एनी बॉन्ड और एनी अदर रियल इस्टेट और एनी इन्वेस्टमेंट वी डू तो इससे हमें वो अपनी ड्राइव कर सकते हैं ठीक ओके थैंक यू